आज हम आपको बताएंगे एक आइकॉनिक बाइक के बारे में जो बजाज ट्रायम्फ की तरह एक ब्रिटिश और इंडियन ब्रांड के कोलैबोरेशन से बनी है और क्लासिक लेजेंड्स का आज तक का सबसे पावरफुल और महंगा बाइक है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। PSA गोल्ड स्टार का ओरिजिनल वर्जन 1930 से 1960s तक ब्रिटेन में बनता था, लेकिन अफसोस 1970s में कंपनी बंद हो जाने की वजह से ये भी आउट ऑफ प्रोडक्शन चली गई, लेकिन इसे नई जान मिली 2016 में जब महिंद्रा मतलब क्लासिक लेजेंड्स ने जावा और ESD के साथ PSA को भी अक्वायर कर लिया। पर फिर 2018 में हमें जावा के बाइक्स मिले और 2022 में ESD के बाइक्स मिले, और हालांकि 2021 में ही PSA गोल्ड स्टार UK में अनवील हो गई थी, लेकिन हमारे यहाँ हालात कुछ ऐसे थे। अरे नहीं, तो जब इस साल जुलाई में हमने PSA गोल्ड स्टार को टेस्टिंग करते हुए देखा तो खुशी तो हुई, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल में रखा। लेकिन इसका 3 महीने में ही दूसरे बार टेस्टिंग करते हुए देखने के बाद रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। PSA गोल्ड स्टार को साइड से देखें तो इसके काफी सारे एलिमेंट्स जैसे फ्लैट बैंक सीट, मिड सेट फुट पैक्स और ढेर सारे क्रोम पार्ट्स इसके ओरिजिनल वर्जन का रेट्रो लुक कायम रखते हैं। साथ में यहाँ आपको राउंड हेडलाइट और मिरर्स तो मिलते हैं, और हालांकि हेडलाइट हैलोजन है पर टेल लाइट LED है, और तो और इसका ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखने में तो ओरिजिनल वर्जन जैसा ही है, लेकिन इसके एनालॉग डायल्स में एक छोटा सा डिजिटल इनसेट भी है। लेकिन इसका लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन एकदम मॉडर्न है, और स्पेसिफिकेशंस के मामले में ये अपने डायरेक्ट राइवल रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 के ट्विन सिलेंडर इंजन की भी बराबरी करता है। और हाँ, माना इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इसके थोड़े ज्यादा टॉर्क के वजह से ये डिसएडवांटेज भी कवर अप हो जाना चाहिए। इसमें सामने और पीछे डिस्क ब्रेक्स और डुअल चैनल ABS भी है, और पीछे ट्विन शॉक्स तो हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी मिलती है। क्लासिक लेजेंड्स PSA गोल्ड स्टार को अगले साल के फर्स्ट हाफ में ही लॉन्च कर सकता है, और क्योंकि दूसरे क्लासिक लेजेंड्स बाइक की तरह इसकी प्रोडक्शन भी इंडिया में ही होती है, इसका मतलब है कि इसकी कीमत इसके मेन राइवल रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 के आसपास ही होगी। तो नए PSA गोल्ड स्टार पे आपके क्या विचार हैं? अपने सवाल, सुझाव, शिकायत सब कुछ कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए। साथ में हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हिंदी में जानने के लिए बाइक देखो को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और एक और ब्रिटिश ब्रांड ट्रायम्फ और बजाज के आने वाले बाइक्स के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए, और इस महीने के अपकमिंग बाइक्स के लिए यहां क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए बाइक देखो।